भाजपा सरकार केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहे तो 2 दिन का सत्र बुलाकर 370 धारा को हटा सकते हैं, लेकिन वह ऐसा करना नहीं चाहते। यह आरोप है सांसद दुष्यंत चौटाला का। वह रविवार शाम को गांव खुराना में कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे थे। यहां पत्रकारों से बातचीत में सांसद दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विंग कमांडर अभिनंदन के पाकिस्तान से वापस आने का भी क्रेडिट खुद ले रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे वो हमारे शहीद हुए जवानों की शहादत को भूल चुके हैं, वह इस पर भी राजनीति कर रहे हैं। दुष्यंत चौटाला ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान में वायुसेना द्वारा जो स्ट्राइक किया गया है, उसमें अब तक यह सामने नहीं आया कि कितने आतंकवादी मरे थे। केंद्र सरकार दावा कर रही है कि पाकिस्तान पर वायुसेना की कार्रवाई में 300 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए हैं, परंतु यह साबित नहीं होता कि वहां पर कितने आतंकवादी मारे गए हैं। न्यू न्यूज फॉर यू के लिए सिरसा से डॉक्टर गुलाब सिंह के साथ कैथल से नवीन मल्होत्रा की रिपोर्ट। के साथ चलाएं 5 संवैधानिक संशोधन की। अगर भारतीय जनता पार्टी चाहती तो 370 हटाना कोई बड़ी बात नहीं थी, पर आज की परिस्थिति में भी अभी 26 मई तक बीजेपी का राज है। अगर बीजेपी चाहे तो 2 दिन का सेशन बुलाकर 370 को हटाए। मगर दुखद बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी एक विंग कमांडर के जो जिनीवा ट्रीटी कन्वेंशन के कारण वापिस आए, और ऐसे इतिहास में भी आए, कारगिल युद्ध के अंदर भी एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था और अटल जी के दौरान वहां हमारा एक पायलट वापिस आया था, मगर आज मोदी जी कहीं उन 53 शहीदों की शहादत को बुलाकर क्रेडिट लेना चाह रहे, और जहां उनको रणनीति बनानी चाहिए इन मामलों को डील करने के लिए, आज उस पर राजनीति करने का बात करें। ये सबसे दुखद हालात आज देश